हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15B प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 7th RS अग्रवाल की बुक से कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गिवन है इसमें इन द गिवन फिगर अलॉन्ग साइड दिस फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से फिगर गिवन है, ACD एंगल हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है जिसमें साइड BC को प्रोड्यूस किया गया है D तक। देन एक्सटीरियर एंगल ACD फॉर्म होगा। एज वी नो दैट फ्रेंड्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। हैंस हमें क्या मिल जाएगा, एंगल A+B इज़ इक्वल टू एंगल ACD। इस तरह से हम यहाँ पे एंगल ACD इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल A और B की दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, 75 + 45 = 120। देन क्या हो जाएगा, ये एंगल ACD, एंगल ACD की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे 120 डिग्री। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। सबसे पहले बुक से यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स, इन द गिवन फिगर, इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले फ्रेंड्स, ऐसे कॉपी में हमने फिगर ड्रा किया है। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें साइड BC को डिग्री तक प्रोड्यूस किया गया है। एक्सटीरियर एंगल ACD फॉर्म हो रहा है जो कि 130 डिग्री है। एंगल B गिवन है 68 डिग्री। एंगल A है 1 डिग्री और एंगल C है जो है वो Y डिग्री है, जो कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब एक ट्राइंगल की किसी साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो इसके दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स एंगल ACD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल A+B। यहाँ से हम देख सकते हैं ये ACD है, ये A+B हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका जो एंगल ACD की वैल्यू है वो A+B के इक्वल होगी। ACD की वैल्यू 130 गिवन है, B के 68 गिवन है। सो यहाँ से हम A फाइंड कर सकते हैं और X की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल A है 1 डिग्री, इसको पुट करेंगे, B है 68 डिग्री, इज इक्वल टू 130। 68 राइट में गया, माइनस में हो गया। देन X हमें मिल गया फ्रेंड 62 डिग्री, या इस तरह से हम लिख सकते हैं X की वैल्यू 62 और एंगल A 62 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे हम ट्राइंगल ABC में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। वैल्यू पुट करेंगे, ए अभी हमने फाइंड किया 62 डिग्री, बी गिवन है 68, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 130। इसको राइट में लाएंगे, माइनस में हो गया, 180 - 30 = 50। ये हमें मिल गया फ्रेंड्स एंगल सी। बट एंगल सी यहाँ पे गिवन है वाई डिग्री, हेंस वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 50। इस प्रकार से हमने एक्स और वाई की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर लिया है। एक्स है 62 और वाई है 50। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हम क्वेश्चन 3 पे। गिवन है यहाँ पे, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इस तरीके से फिगर गिवन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ कर लिया कॉपी में। यहाँ पे ABC ट्राइंगल है जिसकी साइड BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है। एक्सटीरियर एंगल है ACD जिसकी वैल्यू 65 गिवन है। एंगल A गिवन है 32, B है X डिग्री, C है Y डिग्री। हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स एंगल BOC फाइंड करना। ओके फ्रेंड्स, ट्राइंगल ABC में BC को प्रोड्यूस किया गया है। देन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड्स, एंगल ACD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल A+B। वैल्यूज पुट करेंगे सभी की, A की है 32 एंगल A की, B की है X डिग्री, ACD है 65 डिग्री। 32 राइट में आएगा, माइनस में हो गया, 65 - 32 33 डिग्री। हेंस X की हमें वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स 33। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि एंगल जो B है वो क्या था, X डिग्री था, X आया है 33, तो एंगल B की हमें क्या वैल्यू मिल गई, 33 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमें 33 मिल गया है। B A 32 गिवन है, तो हम C ईजिली फाइंड कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। A और B की वैल्यू हम पुट करेंगे, C हमें इजीली मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
32 प्लस 33 65, इसको राइट में लेके आएंगे, माइनस में हो गया 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115, ये हो जाएगा फ्रेंड्स y की वैल्यू। इस प्रकार से हमने इजीली x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 33 हमें मिला है और y इज इक्वल टू 115। फ्रेंड्स इस तरह से आप कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4। गिवन है यहाँ पे एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्स 110 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है 110, इसके जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका रेशियो गिवन है 2:3, देन हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं सॉल्व करने के लिए। गिवन है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 110 डिग्री, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का रेशियो है 2:3, फाइंड करना है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ए बी सी गिवन ट्राइंगल है जिसकी साइड बी सी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है। ए सी डी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा जो कि 110 हो जाएगा। देन लेट करते हैं एंगल बी एक्स डिग्री, सो एंगल ए और बी ये हो जाएंगे ए और बी एंगल 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2x डिग्री और 3x डिग्री इसलिए लिया है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का रेशियो गिवन था, उसके अकॉर्डिंग ए और बी हमें 2x डिग्री एंड 3x डिग्री मिल गया है। नाउ फ्रेंड्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस बी। वैल्यूज पुट करेंगे, ए एंगल की है 2x डिग्री, यहाँ पे हमने अभी फाइंड किया है, और बी किया 3x डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 5x डिग्री इज इक्वल टू 110। एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स 110 अपॉन 5 इज इक्वल टू 22, ये हो जाएगी फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू। इसके बाद एंगल ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2x डिग्री था यहाँ पे, एंगल ए मीन्स 2 × 22 इज इक्वल टू 44 डिग्री, एंगल बी है 3x डिग्री, 3 × 22 इज इक्वल टू 66 डिग्री। ओके फ्रेंड्स इस तरह से हमने दो एंगल्स को फाइंड कर लिए हैं। अब हम इजीली थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। एज वी नो ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ए की वैल्यू 44, बी की है 66, प्लस सी हमें फाइंड करना इज इक्वल टू 180, 44 प्लस 66 110, इसको राइट में लेके आएंगे माइनस में हो गया 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एंगल सी। इस तरह से हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं जो कि हैं 44 डिग्री, 66 डिग्री एंड 70 डिग्री। ओके फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल सी को फाइंड करने के लिए एक और मेथड है जो ओरली हम देख सकते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग बी सी डी एक लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, देन पॉइंट सी पे यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ए सी डी पुट करेंगे 110, ए सी बी हमें फाइंड करना है, सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स इसको इस तरह से हम 180 माइनस 110 इज इक्वल टू हमें 70 डिग्री मिल जाएगा एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल, या इस तरह से हम कह सकते हैं एंगल सी। ओके फ्रेंड्स इस तरह से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड करेक्ट हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले बुक से। गिवन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके फ्रेंड्स लगभग सेम ही है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये है कि यहाँ पे जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका रेशियो गिवन था 2:3 और यहाँ पे जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है। ओके फ्रेंड्स चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। गिवन है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 100 डिग्री है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, फाइंड करना है ट्राइंगल के सारे एंगल्स। लेट कर लेते हैं ए बी सी गिवन ट्राइंगल है जिसमें साइड बी सी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जो 100 डिग्री गिवन है, एंगल ए और बी आपस में इक्वल है, लेट कर लेते हैं कि x डिग्री है एंगल ए और बी,
देन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड्स, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स डिग्री है, एक्स प्लस एक्स टू एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन टू इज इक्वल टू 50। यहाँ पे फ्रेंड्स 100 एक्स इज इक्वल टू हमें 50 मिल गया है, मीन्स एंगल ए क्या था, एक्स डिग्री 50 डिग्री, एंगल बी एक्स डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए और बी हमने फाइंड कर लिया है। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी सी में इंप्लीमेंट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हमें मिलेगा। ए और बी की वैल्यू हमने जो फाइंड की इसको पुट करेंगे, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू आएगा 100, इसको राइट में लेके आएंगे, माइनस में हो गया, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एंगल सी। इस तरीके से हमने गिवन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को फाइंड कर लिया है, 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड 80 डिग्री। इस तरह से फ्रेंड्स कंप्लीट सोल्यूशन जो है आप सभी के साथ हमने शेयर किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट to subscribe the channel and share the video.